नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और भारत पेट्रोलियम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने ठान ली है कि आपको हम पूरे देश में बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट डिशेस जो बनती हैं उन्हें खिलाएंगे। अब आज की डिश नाम तो बड़ा रीजनल है, लेकिन वो रीजनल है नहीं। नाम है कोल्हापुरी सब्स या सब्स कोल्हापुरी या वेज कोल्हापुरी। अब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ये डिश आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कोल्हापुर में जाके किसी से पूछेंगे भैया मुझे वेज कोल्हापुरी खानी है, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये डिश है ही नहीं। ये डिश इजाद हुई है रेस्टोरेंट्स में और बहुत से लोग इसे बहुत से तरीकों से बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने सही तरीका तो बनाया होगा। देखो भैया, कोल्हापुर अगर बोलते हो तो कोल्हापुर का जो मसाला होता है उसमें कोकोनट जरूरी है, उसमें तीखे मसाले ज़रूरी हैं, उसमें तिखट यानी कि मिर्ची होना ज़रूरी है। तो बहुत से लोग इसमें काजू और मगज डालते हैं जो कि कोल्हापुर में तो नहीं डलते। तो कोल्हापुरी मसाला पहले बनाते हैं, ठीक है। उसमें जाएंगे ये मसाले, इसमें सूखा धनिया, साथ में ये डेसिकेटेड कोकोनट, सौंफ या स्टार एनीस, दालचीनी, बड़ी इलायची, लवंग, साथ में जीरा। सब्ज कोल्हापुरी में जो सब्ज या सब्जी है वो क्या क्या है, इसमें जाएंगे फ्रेंच बीन्स जिन्हें मैंने इस तरीके से डायमंड में काट लिया है, साथ में गाजर इन्हें भी डायमंड में काट लिया गया है, गोभी, साथ में जाएंगे हरे मटर, आलू। तो ये तो हो गई सब्जियाँ। अब मसाले में जाएंगे, पहले जो गीला मसाला है उसमें जाएंगे प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टोमेटो का पेस्ट, साथ में एक पेस्ट बनाया जाएगा जिसमें ये लाल मिर्च जिसे मैंने सोक कर लिया है वो, और लहसुन, ये सारी पेस्ट को एक साथ भुना जाएगा। तो सबसे पहले भारत गैस को ऑन कर लिया जाए और फिर हम एक ही कढ़ाई में सब काम करने वाले हैं। मेन चीज़ ये है कि देखना होगा कैसे। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, साथ में जितना ज़ीरा उससे डबल सूखा धनिया, दो सिनेमन, दो तीन बड़ी इलायची, पांच से सात लवंग के दाने और स्टार एनीस नहीं तो सौंफ, थोड़ा मिठास देने के लिए ये जाएगा। अब इन्हें रोस्ट किया जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। जब ये हल्का सा भुन जाएगा तब इसे निकालेंगे और इसकी बढ़िया से एक पेस्ट बनाएंगे, और इसे पेस्ट बनाया जाएगा मिर्च के साथ और लहसुन के साथ। खैर, ये मिर्च आपके पास जो लाल सूखी मिर्च होती है उसे भिगो लिया गया है और साथ में लहसुन है, इन सब को डाला जाएगा एक ग्राइंडर के जार में और बढ़िया फाइन पेस्ट बननी चाहिए इसकी। तो ये गया गार्लिक, साथ में ये भीगी हुई मिर्च, पानी अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा मसाले का अंदाज़ा समझ में आ जाए फिर पानी भी डाल देंगे। वैसे कोल्हापुर जाएंगे तो वहाँ की बहुत सारी फेमस डिशेस हैं। नॉनवेज में तांबड़ा रस्सा, पांडरा रस्सा और इसके साथ साथ कोल्हापुरी मिसल पाव बहुत फेमस है, हमने बनाया अपने चैनल पर। खैर, पॉइंट में ये बोल रहा हूँ कि कोल्हापुर खाने का गढ़ है। महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो कोल्हापुर में बहुत सारी ऐसी डिशेज मिलती हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी है। चलिए, अब यहाँ पर जो मसाला है वो हल्का सा रोस्ट हो रहा है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक इसे भूनना है। कोकोनट जो है उसे तेज आंच में आप नहीं भून सकते, हल्की आंच पे उसे आराम आराम से भूनना है। तो ये मसाला भूनने का जो तरीका है ना, ये बड़ा टिपिकल वेस्ट इंडियन तरीका है। तो अब ये भून चुका है, सीधा डाला जाए यहाँ पर और इसकी बनेगी फाइन पेस्ट। तो फाइन पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए पानी और मैं वही पानी यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने मिर्ची को सोक किया था। चलिए, इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लिया जाए, एकदम फाइन और खुशबू लाजवाब। मतलब वो सारे कोंकण मालवान फ्लेवर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। चलिए, अब एक ही पॉट में बनाने का वादा हुआ था आपसे, तो उसी पॉट में तेल डाला जाएगा। अब रेस्टोरेंट्स में ना इन सब्जियों को डीप फ्राई करके रखा जाता है। अब मैं जानता हूँ कि घर में अगर आप बोलेंगे कि डीप फ्राई, अरे शेफ ये तो बहुत भारी हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, बिल्कुल बात सही है। तो कम तेल डालेंगे और कम तेल में इसे शैलो फ्राई टाइप कर लेंगे और उसी तेल में सब्जी बन जाएगी। देखो कमाल। तो तेल को करेंगे अच्छे से गर्म
और फिर एक एक सब्जी उसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे। गाजर, फ्रेंच बीन्स और मटर ये एक साथ फ्राई कर रहा हूँ, और गोभी और आलू एक साथ फ्राई करूँगा क्योंकि उन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो इसलिए ये एक साथ फ्राई हो जाएंगे और वो दोनों थोड़ा सा अलग से फ्राई कर लेंगे। अब उनको फ्राई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेस्टोरेंट में ऐसी बनती है ना, आप चाहें तो डीप फ्राई का स्टेप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, आप इसे हल्का सा बॉईल कर लें और फिर वो जो मसाला हम बनाएंगे उसमें डाल लें। अब सब्जियां जो हैं वो पूरी तरीके से कुक नहीं होनी चाहिए, 60-70% कुक हो जाएं तब उन्हें निकाल लिया जाए। अब इसमें जाएगी जी गोभी और आलू, इन्हें भी बढ़िया से फ्राई कर लिया जाएगा, कच्चे आलू एवं कच्ची गोभी फ्राई होंगे बढ़िया से आराम से। आलू और गोभी भी अच्छे से हो गए हैं फ्राई, और इन्हें निकाल लिया जाए, पूरा तेल निचोड़ लिया जाए, और फिर उसके बाद शुरुआत होगी भैया एक्चुअल वेज कोल्हापुरी की बढ़िया सी टेस्टी सी रेसिपी बननी शुरू होगी। चलिए ये सब्जियां एक साइड। अब इसी तेल में देखिए, तेल उतना ही बचा है जितना सब्जी बनाने के लिए ज़रूरत होती है, उसी तेल में डालेंगे तेज पत्ता, थोड़ी सी सिनेमन, 2-3 क्लोव्स और बड़ी इलायची 1-2 और उसके बाद इसमें जाएगा चॉप किया हुआ प्याज, जिसे हमें पूरी तरह से भूनना है ब्राउन करने तक। प्याज को बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कर लो, और फिर उसमें पड़ेगी जिंजर गार्लिक की पेस्ट, वैसे हमने गार्लिक थोड़ा सा उधर भी डाला है पेस्ट में, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हो जा रही है, तो ये है जी हिसाब किताब। अब इसमें भुनेंगे सूखे मसाले, और सूखे मसाले में हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, साथ में जाएगा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर। इस मसाले को थोड़ा सा भुनेंगे और फिर इसमें भुना जाएगा जो हमने पेस्ट की थी वो। बहुत प्रेशियस मसाला है इसलिए बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया जाए, इसे डालेंगे अभी थोड़ा सा। अब इस पानी से ग्रेवी भी बनेगी, मसाला जलेगा भी नहीं, और आराम आराम से भून भी जाएगा। साथ में एक और चीज़ भुनेगी, टमाटर की प्यूरी, फ्रेश टमाटर की प्यूरी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अब इन सारी चीज़ों को जब तक पकाना है, जब तक तेल ऊपर नहीं आता है, और फिर इसमें नमक डाला जाएगा, सब्जियाँ डाली जाएंगी, और वेज कोल्हापुरी तैयार बिल्कुल। ये देखो जी, इसे कहते हैं बढ़िया से मसाले का भुनना। अब ये मसाला भी अच्छे से भुन गया है, टमाटर भी भुन गया है, और तेल भी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मिलाई जाए ये सब्जी, डाला जाए नमक, थोड़ा धनिया, और वेज कोल्हापुरी एकदम तैयार। मतलब आपका संडे हो जाएगा आज एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्हापुरी वेज आपके लिए शेफ अजय चोपड़ा ने तैयार कर दी है। देखते रहिए, ये मतलब कौन इसे चपाती के साथ एंजॉय नहीं करेगा, मुझे नाम भेज देना। बहुत बढ़िया डिश है, बहुत ही टेस्टी डिश है। अब टेस्टी है इसलिए बिकती भी है, सर पैर नहीं है, कोल्हापुरी नाम दे दिया है उससे क्या फर्क पड़ता है, डिश है अच्छी है। ये लो जी, बढ़िया लश्कारे मार रही है बिल्कुल। अब फाइनली इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, और सब्स कोल्हापुरी तैयार आहे मराठी में। अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, इसे फटाफट निकाल लेना चाहिए, बढ़िया से सर्व कर देना चाहिए। बढ़िया सी बनाए चपाती, और इसमें डुबा डुबा के खा लीजिए। हमारे लिए एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, भारत पेट्रोलियम का जो YouTube चैनल है ना, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि वहाँ पर ऐसी माउथ वाटरिंग डिशेस, माउथ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ऐसी माउथ वाटरिंग डिशेस बहुत सारी हैं और बहुत सारी लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। सी यू सून, तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए।